दोस्तों फटाफट अपने चैनल को सबसक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पंजाब जॉब रिलेटेड अक्सर अपने चैनल ऊपर वीडियोस पाँदा रहना, जिस नाल तुहानू नई पंजाब की जो भी जॉब्स आउंदे ने, जो भी नौकरियों की नोटिफिकेशन आउंदे ने, तुहानू अपने मोबाइल उपर नोटिफिकेशन भी मिल जाती है। दोस्तों अज की वीडियो आप गल करांगे कि आप पंजाब पुलिस विच सब इंस्पैक्टर SI किवें बनना है। दोस्तों इसकी क्वालिफिकेशन की है, एज लिमिट की है, फिजिकल योग्यता की है, शरीरक तौर पर जो टैसट हों की है, तो इसका लिखती पेपर, मेडिकल टेस्ट जो भी इस पूरी डिटेल तुम इस वीडियो में देवगा, इसलिए वीडियो में पहले ही लाइक कर लो। दोस्तों सब तो पहले आप ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते जिदा मोटिव पर आने, तो दोस्तों सब तो पहले इसकी आप क्वालिफिकेशन की गल कर लेनी है। तो क्वालिफिकेशन ये फॉर्म अप्लाई SI का फॉर्म अप्लाई करने कैंडिडेट को ग्रैजुएशन होना जरूरी है, वो चाहे ग्रैजुएशन आर्ट्स विच हो या साइंस विच हो या कॉमर्स विच हो या किसी भी स्ट्रीम विच हो, तो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता। तो क्वालिफिकेशन तो बाद दोस्तों आप गल कर लेंगे इसकी एज लिमिट की। दोस्तों नॉर्मल जो एज लिमिट है वो 18 तो 28 साल रखी गई है, पर SC ST को 5 साल की छूट है, मतलब कि 28 तो बाद 5 साल तक होर SC ST कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, तो OBC कैंडिडेट है जो वो 3 साल तक अप्लाई कर सकता है 28 साल होने तो बाद। दोस्तों रिटन एग्जाम की गल करिए तो दोस्तों इसकी मैं तुम्हें तो प्रॉपर वीडियो सिलेबस के नाल जो भी सिलेबस आते थे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी इस पेपर में आए थे उसकी तुम्हें तो मैं नैक्सट पार्ट में वीडियो बना देंगे, तो साढ़े चैनल उत्ते जाके चैक कर सकते हो। तो हूँ दोस्तों आप कर लेंगे शरीरक योग्यता की गल कि फिजिकल एलिजिबिलिटी की होनी चाहिए है। दोस्तों जो मेल है, जो कोई लड़का अप्लाई कर रहा है सब इंस्पैक्टर की पोस्ट वास्ते, तो उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए, जो कोई लड़की अप्लाई कर रहा है तो उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। तो दोस्तों एक गल क्लीयर कर लो कि हाइट का इस कोई नंबर नहीं मिलता, जो सब इंस्पैक्टर की पोस्ट है उस जिमें कि हेड कॉन्सटेबल की पोस्ट में हाइट का नंबर मिलता है। वो दोस्तों अगे चलते हैं तो अगे आप चेक करिए तो इसकी जो शरीरक टैसट होंगे, जो फिजिकल टैसट होंगे उसकी आप पूरी क्लीयरिटी गल कर लेनी है। दोस्तों मेल कैंडिडेट है जो पुरुष लिए है उसकी रनिंग होंगी 1600 मीटर, तो हाई जंप होंगे 1.15 मीटर, तो लॉन्ग जंप की गल करिए 3.80 मीटर की लॉन्ग जंप लाने पैंती है। तो फीमेल कैंडिडेट वास्ते भी यह क्लीयर हो जाती है गल कि रनिंग 800 मीटर की होंगी है, तो हाई जंप जी होंगी वह 1 मीटर की होंगी है, तो लॉन्ग जंप होंगी जी 3.5 मीटर। दोस्तों जे थोड़ी वधिया तैयारी लगी हुई है तो कोई ज़्यादा वड्डी डिफिकल्ट वाली गल नहीं है, 1600 मीटर की रेस कढ़नी, लोंग जंप तो हाई जंप कढ़नी। ओके दोस्तों तो अगर आप गल करिए जो मैं इस तो बाद जो अपना जो फिजिकल टैसट हो जाता है, तो उस तो बाद मैडिकल टैसट भी होंगे, थोड़े शरीर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं, यही चैकअप होंगे। तो जे उस मैडिकल क्लीयर कर दी तो सीधा थोड़े इंटरव्यू तो बुलाया जाता है, तो इंटरव्यू भी बहुत जरूरी है, इसके भी 15 नंबर थोड़ा मिलते हैं। तो इंटरव्यू होने तो बाद डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाती है, जे तुम डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कोई फालस या नकली सर्टिफिकेट जमा कर दो तो थोड़ी की हुई सारी मेहनत उत्ते पानी फिर सकता है, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी रखो, ता जो तुम इन्नी मेहनत करके अगे आए हो तो इस कोई फर्क ना पवे। तो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होने तो बाद दोस्तों मैरिट लिस्ट तैयार होती है, मैरिट लिस्ट जो होंगी रिटन एग्जाम के इंटरव्यू में मिले हुए मार्क्स प्लस करके तो मैरिट लिस्ट जारी की जाती है। जो तुम्हें किसी होर जॉब की या पोस्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तो वीडियो में कमेंट करो, मैं नैक्सट वीडियो थोड़ी इस कमेंट उपर ही बना देंगे। तो होर जानकारी साडा चैनल सबसक्राइब करो तो वीडियो में लाइक जरूर कर लो।